ओके, तो अभी तक हमने हेडर, हीरो सेक्शन, ये गैलरी सेक्शन, सर्विस सेक्शन, फुटर, लॉगिन एंड साइनअप पेज तो बना लिया, राइट। इसमें मैंने राउटिंग भी कर दिया, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ मैंने सही से कर दिया। ओके, आज हम बनाने वाले ऑल प्रोडक्ट्स। तो आज ऑल प्रोडक्ट्स में जाओगे तो आज मैं एपीआई का यूज करना सिखाऊंगा कि भाई देखो, पहली बात तो सारी चीज़ एपीआई से है। देख लो, यूज इफेक्ट का यूज किया है और एक एक्जियोस का यूज करके मैंने डमी जेसन, और डमी जेसन से वेबसाइट, वहां से प्रोडक्ट लेके आया हूँ और उसको मैंने शो किया है यहाँ पे, राइट। और इसमें मेन चीज आज क्या है, इसको तो शो करना ही करना है। सबसे मेन चीज का है फिल्टर फंक्शन। देखो, देखा होगा ना फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ये से होता है, लैपटॉप पे क्लिक करें तो लैपटॉप आ जाएगा, स्मार्टफोन पे करेंगे तो स्मार्ट स्किन केयर आ जाएगा, ये वाले ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ जाएंगे, राइट। ये फिल्टर फंक्शन, इस पे काम करना मेन तो हमें, राइट। तो इसमें देखते हैं फिर ये वाला काम करते हैं आज। ओके, तो इस पे हम डेटा लेके आएंगे कहाँ से, फेच करके लाएंगे एपीआई से डमी डेटा, ठीक है। तो मैं पहले सर्च कर लेता हूँ डमी जेसन, इसके अंदर जाना है तुम्हें, प्रोडक्ट चाहिए ना हमें, ऑल प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, ठीक है। डॉक्स में जाओ, गेट ऑल प्रोडक्ट, हमें क्या चाहिए, फोन, सारी कैटेगरी चाहिए। एक तो पहले तो देखो सारी कैटेगरी चाहिए। आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा स्मार्टफोन, लैपटॉप, फ्रेगनेंस, स्किन केयर, ओके नाइस, ये सब आएंगे। देखो तुम्हें फैच से करना है, फैच से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट ही करना है, आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। नहीं तो मैं तो एक्जियोस से करूंगा। तो पहले क्या करना, तो मैं एक्जियोस, मैंने जाना एक्जियोस, यहाँ पे जाओगे, उसके बाद इसको कॉपी करो और कंट्रोल जे करो यहाँ पे, और यहाँ पे कर दो तुम पेस्ट। मैंने, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कहाँ पे है, ये रहा एक्जियोस मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे को तो इंस्टॉल करने की जरूरत है नहीं, तुम कर लेना, ठीक है। मैं एक्जियोस का ही यूज करूंगा। अगर तुम्हें एक्जियोस नहीं आता तो तुम्हें एक और काम करना है, फिर तुम जाना मेरे प्लेलिस्ट में, देखो ये रहा एक्जियोस मैंने अच्छे से करवा रखा है। इसमें गेट है, पोस्ट भी है, पुट भी है, डिलीट भी है, फैच भी बता रखा है, एसिंक का वेट भी बता रखा है, इसके अंदर सब कुछ बता रखा है। इसको देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से, या फिर तुम्हें एक्जियोस पहले से आना चाहिए, कुछ नहीं है, फैच की तरह ही है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये मुझे चाहिए ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ऑल प्रोडक्ट में चलते हैं। यहाँ पे इसको अभी के लिए मैं पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे करके। अब एपीआई को यूज करने के लिए रिएक्ट में क्या है, यूज इफेक्ट। तो हम यूज इफेक्ट को पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं, यूज इफेक्ट इम्पोर्ट हो गया, ओके। यहाँ मैं डिपेंडेंसी क्या दे देता हूँ, डिपेंडेंसी जब पेज रिफ्रेश हो, एक बार चलेगा, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक मिनट थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, है ना, दिखाई दे रहा है, ओके नाइस। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक फंक्शन लेते हैं, अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्जियोस का यूज करता हूँ। तो देखो ये रहा सजेशन में आ गया, और इम्पोर्ट भी हो गया होगा ऊपर, ये रहा। इसके बाद क्या लिखते हैं भाई, जो भी हमने कॉपी पेस्ट किया है ना, इसको कॉपी पेस्ट करो यहाँ, कॉपी, और यहाँ कर दो पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं कंसोल कर लेता हूँ पहले, कंसोल डॉट लॉग भाई रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसको मैंने डिफाइन कर दिया भाई, इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा, गेट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। चलते हैं ऑल प्रोडक्ट में और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक। प्रोमिस, ओके। हमें क्या चाहिए, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स प्रोमिस आ रहा है, आ तो रहा है। इसमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा करते हैं कुछ,
एक मिनट, इसमें ना मैं अब ऐसे करोगे ना तो ऐसे में हमें क्या बोल करना पड़ता है, एसिंक अवेट का यूज करना पड़ता है। एसिंक, मैं एसिंक अवेट का यूज कर रहा हूँ, नहीं तो फिर उसमें देन देन लिखना पड़ता है, राइट। इसमें यहाँ पे अवेट लिखते हैं। ओके, अब देखते हैं। ओके, रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आ रहा है, 20 एरे आ रहे हैं। देखो रिस्पॉन्स मैंने किया ना कंसोल में, यहाँ पे 20 एरे। तो इस एरे के अंदर जाएंगे तो देखो इसके अंदर ये स्मार्टफोन, लैपटॉप, फ्रेगनेंस, स्किन केयर, ये 19 19। अब इन सबको मुझे क्या चाहिए, यूआई के अंदर चाहिए, यहाँ पे मेरे को दिखाना है। तो अब मैं क्या करूँगा बताओ, क्या कर सकते हो? देखो ये जो आउटपुट है ना, जो यहाँ पे आउटपुट है वही है। तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, इसको एक स्टेट के अंदर ले लेता हूँ, सारी कैटेगरी को, है ना, सारी कैटेगरी को मैं क्या बोलता हूँ, एक स्टेट के अंदर स्टोर कर देता हूँ। उसको यूआई पे शो तो करना है, यूआई में कुछ भी अपडेट करना है, शो करना है, तो स्टेट का यूज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या बोलता हूँ मैं, कैटेगरी, कैटेगरी, ऑल कैटेगरी बोलूँ, ऑल कैटेगरी, ठीक है। इम्पोर्ट हो गया देखो ऊपर। अब बताओ इस यूज स्टेट के अंदर मैं क्या डालूं, स्ट्रिंग डालूं, एरे डालूं, ऑब्जेक्ट डालूं, बताओ क्या डालूं? देखो तुम्हारा क्या है, आउटपुट है एरे के अंदर, राइट, तो एरे ही तो डालोगे ना भाई। देखा ये सब कोई बताता है क्या? डोंट वरी, मैं बताता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक हम डिव ले लेते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं ये आउटपुट आ भी रहा है कि नहीं, है ना। ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी को मैंने कर दिया। और ये इसको क्या करना पड़ेगा फिर, इस रिस्पॉन्स वाले को क्या करना पड़ेगा? हाँ देखो एक मिनट, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। रिस्पॉन्स तो आ गया, लेकिन हमें डेटा चाहिए ना, रिस्पॉन्स के अंदर ये डेटा चाहिए, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना ये देखो आ गया ना, ये आ गया स्मार्टफोन लैपटॉप, ये हमारा डेटा मिल गया। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंसोल लॉक को हटाओ और इसको किसको किसके अंदर सेट कर दो, ये कर दो सेट कैटेगरी ऑल। तो यहाँ पे आ गए, अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, देखो दिखाई तो दे रहे हैं, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, फ्रेगनेंस है, इसको स्टाइलिंग नहीं की ना, राइट, स्टाइलिंग नहीं की इसलिए नहीं दिखाई दे रहा भाई। एक काम करते हैं, इसको मैं क्लास देता हूँ एक बार, क्लास हाइट दे देता हूँ, ठीक है। ओके नाइस। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये बटन बनाना पड़ेगा एक, राइट, तभी थोड़ा सा शो होगा। एक मिनट में क्या करता हूँ इसको, एक बटन बनाता हूँ और उसके अंदर इसको लिख देता हूँ कंट्रोल एक्स। ओके, अब देखो इसमें मैं क्लास में क्या बोलता हूँ, बॉर्डर देता हूँ एक बार। देखो अभी क्या हो रहा है, देखो मैं बताता हूँ, क्लास बॉर्डर दे दिया मैंने, बीजी 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 ब्लैक, और टेक्स क्या कर देता हूँ, वाइट, ठीक है। अभी देखो ये बटन क्या है, ये पूरा बटन है, एक बटन के अंदर ही मैंने सारा स्टोर कर दिया। मेरे को क्या करना है, ये अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, ये चल अलग चाहिए, है ना। तो अब देखो या तो ऐसे लिखूं, यहाँ पे ऐसे लिखूं ये, और ये कट ऑल कैटेगरी में फिर एक एक कैटेगरी का अलग अलग नाम लिखूं, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। अब करूंगा तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे यूज, मैप फंक्शन का यूज करेंगे ना। यहाँ पे लिख दो भाई तुम, मैप फंक्शन का यूज करोगे, सिंपल सी बात है। तो मैप अब किस में लगाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दो एक बार, मैप अब किस में लगाओगे, सारे आ किस में रहे, ऑल कैटेगरी के अंदर, राइट। तो यहाँ पे लिखो ऑल कैटेगरी डॉट मैप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल आइटम लिख दो, ऑल ऑल प्रोडक्ट लिख देता हूँ, है ना, ऑल प्रोडक्ट्स,
ओके, और यहाँ पे अभी के लिए तो चल ठीक है। ओके, अब ठीक है, एक ड्यू लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम इंडेक्स लिख देते हैं अभी के लिए तो। और क्लास में हमें, क्लास में चलो दे देंगे, कुछ नहीं, की हमें पास करनी पड़ेगी, नहीं तो इंडेक्स। ओके ओके, अब इस बटन को क्या करता हूँ मैं, इस बटन को कंट्रोल एक्स करो और मैप के अंदर लगा दो, और ऑल प्रोडक्ट लिख दो यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं, आ गया ना बटन, देखो मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन मार्जिन पैडिंग दे देते हैं पहले तो, px, py। ओके, बटन जैसा कुछ लग रहा है। ओके, मार्जिन भी दे देते हैं, टॉप से 5। आगे ना बटन, आ गए, ये आउटसाइड जा रहे हैं। ओके नाइस, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाइलिंग करनी पड़ेगी थोड़ी इसकी भाई। अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा फ्लैक्स दे देते हैं ना, ये इसका पेरेंट है, ये इसका चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे मैं फ्लैक्स दे देता हूँ। इस साइड आगे गैप दे देता हूँ, गैप 3। ये आउटसाइड जा रहा है भाई, तो मैं क्या करता हूँ, फ्लैक्स रैप कर दूँ, फ्लैक्स रैप कहाँ गया भाई। ओके, अभी ये इतने बड़े बड़े इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर मैं बॉर्डर दूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो इसको क्यों बॉर्डर देना है, इसको देना पड़ेगा ना। देख रहे हो, तो अगर मैं इस हाइट को हटा दूँ ना, देखो ये हो गया सही, लेकिन हमें अभी क्या चाहिए। ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए तो ठीक है, डिजाइनिंग पार्ट हम बाद में कर लेंगे थोड़ी देर में, पहले हम मैं समझा तो लूँ अच्छे से। ठीक है, मैं करना क्या चाहता हूँ, देखो जैसे मैं स्मार्टफोन पे क्लिक करूँ ना, यहाँ स्मार्टफोन वाले प्रोडक्ट आ जाए, जैसे मैं लैपटॉप पे क्लिक करूँ तो लैपटॉप वाले प्रोडक्ट आ जाए, फ्रेगनेंस पे क्लिक करो। एक काम करता हूँ यार, यहाँ पे भी थोड़ा इमेज लगा लेते हैं ना, बढ़िया दिखेगा, जैसे मैं लॉगिन वाले में मैंने लगाया, यहाँ पे भी सेम इमेज लगा लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे डिजाइनिंग पार्ट में। तो अभी चलते हैं हम किस में, लॉगिन वाले पेज कहाँ गया यार, पेज वाले में सेक्शन में लॉगिन पेज, ये रहा, ये पार्ट है ना, कॉपी करते हैं। इसको यहाँ लगा लेते हैं, अभी इमेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कॉपी कर लेते हैं। इसका एक अलग कंपोनेंट भी बना सकते हो, लेकिन ठीक है अभी नहीं बना रहा मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन की जगह ऑल प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही सा दिख रहा है। ओके नाइस, अब क्या करते हैं हम, अब मैं एक देखो कैटेगरी में देखा तो मैंने ये सब तो आ गए। ओके, अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे मैं स्मार्टफोन पे क्लिक करूँ ना तो स्मार्टफोन आ जाए। अब देखो इसको करेंगे कॉपी, प्रोडक्ट चाहिए ना हमें, जो देखो कंट्रोल कॉपी। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी तक तो सब सेम है, यहाँ पे स्मार्टफोन बदलेंगे तो स्मार्टफोन आ जाएगा, ठीक है, लैपटॉप बदलेंगे तो लैपटॉप आ जाएगा, ग्रोसरी बदलेंगे तो ग्रोसरी आ जाएगा। पहले ये दिखा देता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब देखो ये भी एक यूज इफेक्ट के अंदर लेते हैं, एक यही इसी को कॉपी कर लो, बेसिक कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यूज इफेक्ट नहीं, गेट ऑल प्रोडक्ट नहीं,
यहाँ पे क्या नाम दूँ इसको, इसको गेट ऑल प्रोडक्ट रहने देता हूँ, इसको प्रोडक्ट के साथ कैटेगरी लिख देता हूँ, है ना, समझने में भी आसानी रहेगी। इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो इसको, ठीक है, ये तो हो गया। अब ना इसके अंदर ना भाई, जब एसिंक लिखते हैं तो हम ट्राई एंड कैच भी तो लिखते हैं उसके अंदर, तो लिखते हैं, जब मान लो एरर आ गया फिर किसको कहाँ लिखोगे उसको, कंट्रोल एक्स, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैच, कैच में क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर, एरर ठीक है, ये एरर दोनों सेम होना चाहिए। तो यही चीज हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसको ही कर लेते हैं, छोड़ो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ऑल प्रोडक्ट लिखूंगा ना, ये ठीक है, हो गया, ओके नाइस। अब यहाँ पे ये स्टेट तो नहीं चाहिए मुझे, पहले कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने कॉपी क्या किया था भाई, इसको कॉपी किया था ना स्मार्टफोन को, कॉपी और पेस्ट, ओके स्मार्टफोन, देखते हैं आता है कि नहीं आता, कोई तो दिक्कत नहीं आना चाहिए अभी तक। एरर नहीं लिखा क्या यहाँ पे, यहाँ पे ये तो लिखा ही नहीं, कॉपी, अच्छा लिख दिया, चलो ठीक है, ओके कंसोल में चलते हैं, ऑब्जेक्ट आ रहा, ठीक है ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है, ओके डेटा के अंदर क्या है, प्रोडक्ट है, ओके तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, एक एरे के अंदर स्टोर है, ओके अगर मैं प्रोडक्ट्स लिखूं यहाँ पे, कॉपी करते हैं, यहाँ पे अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिख दूं तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ रहा है प्रोडक्ट तो, अच्छा प्रोडक्ट नहीं आएगा, एक मिनट, क्या आएगा, डेटा आ रहा है हमारे पास, ओके और डेटा के अंदर है एरे, ओके ठीक है, डेटा लिखना पड़ेगा पहले तो भाई, डेटा लिखो, ओके पहले डेटा तो लिखो, डेटा के अंदर तो आने दो पहले, हाँ डेटा आ गया, ओके नाइस। अब डेटा के अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स है, डॉट प्रोडक्ट्स, हाँ प्रो, गलत लिख दिया स्पेलिंग, कॉपी कर लेते हैं भाई, अब आ गया ना, देखो रिफ्रेश करता हूँ फिर से दिखाता हूँ, अब आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, पांच प्रोडक्ट है इसके अंदर, क्या है, एक आईफोन है, एप्पल है भाई, इमेज है उसका, और क्या है, एप्पल एप्पल एप्पल, ये एप्पल है क्या, सैमसंग भी है यहाँ पे, ओप्पो भी है, स्मार्टफोन तो आ गया, ओके नाइस। अब देखो स्मार्टफोन आ गया, इससे किससे आया, इस वाले से, ये सब चीज़ तो सेम है। यहाँ पे अगर मैं स्मार्टफोन की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, लैपटॉप लिख देता हूँ बस, ठीक है कॉपी करता हूँ, यहाँ पे स्मार्टफोन की जगह लैपटॉप लिख देता हूँ, अभी देखते हैं क्या आता है, रिफ्रेश करो, ओके पांच एरे तो आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर है क्या, देखो एप्पल है, ओके ओके सैमसंग है, लैपटॉप है, देखो कैटेगरी क्या है, लैपटॉप की, ये कैटेगरी क्या है, लैपटॉप की, समझ गए, कैटेगरी किसकी है, लैपटॉप की, ओके लैपटॉप लैपटॉप। अब तुम्हें क्या चाहिए, मान लो तुम्हें क्या चाहिए बताओ, दूसरी चीज कुछ, मेंस वॉच, वॉच का देख लेते, तुम्हें मैं एपीआई के साथ कैसे डील करते हैं ये मैं बता रहा हूँ, सिंपल वाला एपीआई नहीं है, मतलब बस फैच करना नहीं है, फैच तो मैंने कर लिया, फैच करना कोई बड़ी बात नहीं है,
उसके साथ खेलना कैसे है ये दिखा रहा हूँ बस तुम्हें। देखो अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ गया 5-5 है, नेवी फोर्स मैन वॉच, ठीक है। और दिखा देता हूँ तुम्हें, मैन वॉच है, ये देख लो भाई 5-5 प्रोडक्ट है मतलब सबके अंदर। अब मेरे को क्या करना है बताओ। एक काम कर लेते हैं, पहले ना हम डेटा को हम क्या कर लेते हैं, पहले यूआई में शो कर लेते हैं, पहले स्मार्टफोन ही रखते हैं अभी, तो बाद में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, यूआई में शो कर लेता हूँ। अब यूआई में शो करना है तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, स्टेट चाहिए ना, सिंपल सी बात है, दिमाग वहीं जाना चाहिए तुम्हारा भाई। कुछ भी यूआई में शो करना है, स्टेट तो चाहिए चाहिए, तो इस स्टेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या बोलता हूँ भाई, प्रोडक्ट लिख लेते हैं, प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स, एरे एरे, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, कोई दिक्कत तो नहीं है, एरे ही रहना चाहिए ना भाई, क्योंकि एरे में ही तो आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को हम, मेरे को यूआई में शो करना है। ओके, एक तो डी ये हो गया, इसको मैंने ये तो, चलो ये तो बाहर का डिव हो गया, एक ये हो गया, ये भी बाहर है, ठीक है। ओके, एक और डिव लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले, यहाँ पे क्या लिखूँ भाई, प्रोडक्ट्स सेक्शन, और कहाँ पे लिखूं, इमेज यहाँ पे कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ ओके। अब क्या करते हैं, मेरे को यूआई में शो करना है ना, तो भाई मैप लगाना पड़ेगा, मैप किस पे लगाएंगे। हाँ एक मिनट, स्टोर तो कर लूँ मैं इसको, इस कंसोल को हटाओ, यहाँ पे कंसोल की जगह क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करूँ मैं, सेट प्रोडक्ट्स लिख दूँ, इसके अंदर मैंने क्या किया, सेट करवा दिया। अब इसको यूआई में शो करना तो इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैप में चलते हैं, मैप लगाते हैं यहाँ पे, किस पे लगाएंगे, प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखा था, ऑल ऑल प्रोडक्ट्स लिखा था, यहाँ पे बस प्रोडक्ट लिख दूँ बस, यार आइटम लिख देता हूँ, चलो आइटम ही रहने दो, यहाँ भी इंडेक्स लिख दो अभी के लिए, तो ठीक है, बाद में कोई नहीं चेंज कर लेंगे। हमारे पास इसके पास आईडी मिलती है, तो इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कंसोल करा के अभी दिखा भी दूंगा तुम्हें। ओके, इस ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लिखो, ताकि रिटर्न ना लिखना पड़े हमें, ठीक है। एक डिव ले लेते हैं, पहले इस आइटम को हम शो कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता, ठीक है। आइटम अभी तो नहीं आएगा, अब क्यों नहीं आएगा मुझे पता है, अगर आइटम डॉट आईडी कर दो ना तो आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंसोल करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा, राइट। तो एक काम करता हूँ, पहले कंसोल ही कर लेता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम इसको कंसोल करा लेते हैं पहले। देखो ठीक है, इस एरे के अंदर जाओ, देखो 0 इंडेक्स पे क्या है, आईडी मैंने दे दी, तो हमें मान लो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक तो आईडी मिल गई, इमेज चाहिए, प्राइस चाहिए, रेटिंग चाहिए, स्टॉक चाहिए, थंबनेल चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, टाइटल चाहिए, पहली बात तो, पहली बात तो हमें टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट, अरे नहीं इसके अंदर नहीं, पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं भाई आइटम डॉट टाइटल। ओके, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पे लिख दो, एक प्राइस भी चाहिए हमें,
और क्या चाहिए? प्राइस चाहिए, रेटिंग भी चाहिए। रेटिंग भी लिख लेते हैं भाई। और क्या चाहिए तुम्हें? इमेज चाहिए, तो एक इमेज बना लेते हैं। इसके अंदर क्या लिखूंगा? आइटम डॉट इमेजेस, राइट? इमेजेस से लिखूंगा ना। हाँ ठीक है, देखो। नॉट फाउंड, वाई? लेकिन ओके ओके, अगर देखो इमेज के अंदर तुम जाओगे ना, तो इसमें चार पांच इमेज है, तुम्हें कौन सा चाहिए? मान लो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। 0 आ गया। यहाँ पे मैं अगर 1 लिखूँ तो ये दूसरा आ जाएगा, 2 लिखूँ तो अलग अलग इमेज आएंगे। लेकिन हमें छोड़ो यार, हमें एक ही चाहिए ना, तो हमें थंबनेल लिख लो, थंबनेल लिख लो बस। तुम थंबनेल में वो दे देगा कॉपी। इमेजेस की जगह मैं क्या लिखता हूँ? थंबनेल लिख लेता हूँ। ठीक है, आ गया ना, थंबनेल भी आ गया। ठीक है, अभी कंसोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। आईफोन का रेट प्राइस लिखते थे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ भाई ये प्राइस है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइटल। ओके, और क्या है हमारे पास? ये रेटिंग है, तो रेटिंग भी लिख देता हूँ आगे ताकि हमें पता लग जाएगी क्या क्या है। ओके, टाइटल टाइटल आईफोन एक्स यहाँ पे, ठीक है। और प्राइस में क्यों नहीं आ रहा यार? आइटम डॉट प्राइस में क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? प्राइस में चलते हैं, क्या लिखा है? प्राइस ही तो लिखा यार, क्या दिक्कत है? कॉपी कर लूंगा भाई इसको। अच्छा, पी बड़ा है इसका, देखो पी छोटा करो। भी आ गया, ओके नाइस। अभी मैं इसको चाहूँ तो फ्लैक्स करके तुम्हें दिखा सकता हूँ अच्छे से। क्लास कर दो फ्लैक्स, ये देखो। हाँ डिजाइन सही नहीं है मुझे पता है, लेकिन इमेज को ऊपर रखते हैं, राइट? कंट्रोल एक्स, ठीक है, इमेज ऊपर हो गया। एक काम करता हूँ ना, बॉर्डर वगैरह दे दूंगा तो थोड़ा सही से दिखेगा। कहाँ गया भाई? गैप दे देते, पहले तो गैप दे देते हैं 3 का। ओके, और क्या दे दूँ भाई? भाई मार्जिन टॉप से दे दो, तुम कुछ भी दे दो 3। ठीक है, बॉर्डर दे दो। एक काम करो तुम, बॉर्डर किसके अंदर? इसके अंदर देना पड़ेगा ना। क्लास बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर तो आ गया। बॉर्डर 5 4, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। इसको भी कर देता हूँ मार्जिन बॉटम से कुछ कर देते ताकि दिखाई दे हमें अच्छे से, बस और कुछ नहीं। स्टाइलिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन मैंने मेरे काम क्या है समझाना तुम्हें। अभी तक हम देखो प्रोडक्ट को हम लिया है यहाँ पे, मैं क्या चाहता हूँ? आप देखो स्मार्टफोन पे क्लिक करो तो स्मार्टफोन आ जाए, स्मार्टफोन तो अभी है ही, ठीक है। लैपटॉप पे क्लिक करो तो लैपटॉप आ जाए, स्किन केयर पे क्लिक करो तो स्किन केयर आ जाए। ये बस चेंज, एक तरीके से फिल्टर ही तो कर रहा हूँ ना, तुमने देखा होगा वेबसाइट पे, राइट? अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पर फिल्टर फंक्शन लगाना चाहता हूँ, फिल्टर करना चाहता हूँ प्रोडक्ट को। जैसे स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे कुछ भी क्लिक करो तो ये बदल जाए, बस ये चीज सेम रहे, बस ये बदलता रहे। अब इसको करेंगे कैसे ये सोचना है बस तुम्हें। डिजाइनिंग पार्ट में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा लास्ट में करूंगा डिजाइनिंग। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मतलब लॉजिक समझा रहा हूँ तुम्हें बस। देखो अभी तुम्हें फिल्टर करने का फंक्शन मैं समझाता हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, इस स्टेट को लेता हूँ पहले, तो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे समझाऊंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को समझाता हूँ, लेकिन ऊपर वाले भी आवाज कर रहे हैं, आवाज तो आ ही रही होगी तुम्हें, नॉइज। तो एक काम करता हूँ, जब तक मैं क्या करता हूँ, एक जब तक मैं ये कार्ड को सही से बना लेता हूँ, तो स्टाइलिंग पार्ट में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे यार, टेल ब्लॉक का यूज कर लेंगे।
देखो अभी इतने सारे कार्ट है लेकिन हमें तो एक ही चाहिए ना, एक ही कोई स्टाइल करना है, राइट। एक काम करता हूँ मैं, एक ही कार्ट को देखो यहाँ पे है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। देखो मैं कैसे पहचान रहा हूँ, देखो ये एक तो ड्यू ये रहा, ठीक है, इसमें ये है, ठीक है, ओके। इमेज वाली ड्यू ये रही, इमेज का सेक्शन ये रहा, इसके ऊपर एक ड्यू है, तो इस ड्यू को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसी की जरूरत है हमें पहले तो। एक काम करता हूँ, कहाँ गया, स्टेट सेक्शन ये रहा, इस ड्यू के यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये बताएगा, एक तो इमेज को क्लोज कर दो भाई, एक तो पहली बात, ओके। और कुछ रह गया, क्लास को क्लास नेम कर देना यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत डिजाइनिंग मैंने कर दिया, देख लो सही दिख रहा है अभी तो कार्ट, बाकी और भी कर देंगे। अभी चलते अपने इस वाले पार्ट पे, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, 1 मिनट में ये ओपन कर लो एक बार। देखो मैंने क्या किया अभी तक, इस कैटेगरी में से इस यूज स्टेट में मैंने क्या किया, ये सारे बटन मैंने डाल दिए, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, जो भी ये बटन है, कहाँ के बटन, ये सारे जो बटन है मैंने क्या किया इसके अंदर, स्टेट के अंदर डाल दी, ओके नाइस। और उस बटन को मैंने यूआई पे शो कर दिया, ठीक है, बहुत सारे बटन है, ओके नाइस। अब मैं क्या कर चाहता हूँ, अब मैंने नेक्स्ट क्या किया भाई, एक और एपीआई लिया है, उसमें स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को मैंने एक और स्टेट में डाला, उस स्मार्टफोन को मैंने यूआई पे शो कर दिया भाई यहाँ पे, ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही स्मार्टफोन पे क्लिक करो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप पे क्लिक करो लैपटॉप शो हो जाए, स्किन केयर पे क्लिक करो स्किन केयर से हो जाए। अब देखो हमें क्या बदलना क्या है, ठीक है, तो हमें क्या इस चीज को बदलना है बस, राइट, हमें इस एपीआई में से इस चीज को बदलना है बस, ठीक है। और ये बदलते ही यहाँ पे ये बदल जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लैपटॉप बदला, लैपटॉप बदल दिया तो भाई लैपटॉप यहाँ पे जाएगा, लैपटॉप फिर यहाँ पे जाएगा और यूआई में लैपटॉप शो हो जाएगा। अब इस चीज को हैंडल करना है बस इसके थ्रू, जैसे लैपटॉप पे क्लिक करो तो लैपटॉप यहाँ चला जाए, ये लैपटॉप यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा, ये स्टेट में जाएगा तो यहाँ यूआई पे शो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इस चीज को चेंज करना है। अब देखो ये सब तो सेम रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट। हमें क्या करेंगे, बैक टिक यूज करेंगे, और भाई बैक टिक के अंदर इसे लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, ठीक है, इसको चेंज तो करना है, अब चेंज करेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन तो तुम्हारे पास ये आना चाहिए। तो देखो यार मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार यहाँ पे मैं एक और स्टेट ले लेता हूँ, मान के चलो कैटेगरी मतलब सेलेक्ट कैटेगरी का मैं एक स्टेट ले लेता हूँ, स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है, और जैसे ही इस पे क्लिक करो ना, ये स्मार्टफोन यहाँ चला जाए, स्मार्टफोन यहाँ चला जाए, ठीक है, जैसे लैपटॉप पे क्लिक करो तो ये लैपटॉप यहाँ पे चला जाए। अब जैसे ये चेंज हो ना, तो इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, ये जो यूज स्टेट है इसके थ्रू क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा, समझ में आई बात। मेरा मतलब है, एक मैं स्टेट लूंगा, ठीक है, उसमें मैं स्ट्रिंग रखूंगा, ठीक है, स्टेट में स्ट्रिंग रखूंगा,
और जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, इस मतलब इस बटन पे क्या लगाना पड़ेगा, पहले ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। पहली बात तो तुम्हें ये ऑन क्लिक लगाते ही तुम इस स्मार्टफोन को भेजोगे, तुम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भेजते ही उसके बाद तुम इसको भेजोगे यहाँ पे। यहाँ पे स्मार्टफोन चेंज हुआ, लैपटॉप पे चेंज हुआ, लैपटॉप में चेंज कर दिया, तुम्हें बस इस चीज से यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना है, और इस ये अपने आप चेंज होता रहेगा। अब इसको करेंगे कैसे, पहले तो मैं लेता हूँ एक स्टेट, ठीक है, सेलेक्ट कैटेगरी। अब इसको समझाता हूँ अपने कोड के अंदर, लॉजिक तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ फिल्टर, ले लो क्या, सेलेक्ट लेता हूँ, चलो सेलेक्ट पहला, ये तो एक स्टेट ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक लगाना है ना, पहली बात तो ऑन क्लिक हमें बटन पे लगाना है। ऑन क्लिक कहाँ पे, ये बटन है ना, ऑल प्रोडक्ट आ रहा है, ओके यहाँ पे हम लगाते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। और इस फंक्शन का नाम क्या रखूँगा, पहले तो ये कॉल बैक लिख लेते हैं, इस फंक्शन का क्या नाम रखूँ मैं, फिल्टर फंक्शन, फिल्टर प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा बताओ, इस ऑन क्लिक से मैं क्या पास करूंगा भाई, इस कैटेगरी को पास करूंगा, क्योंकि इसी के अंदर तो है सब कुछ। ऑल प्रोडक्ट के अंदर क्या है, लैपटॉप है और स्मार्टफोन है, स्किन केयर है, इसी के अंदर है, तो इसको मैं भेजूंगा पहले तो ऑल प्रोडक्ट्स। ये चला गया, ये क्या हो गया, ठीक है ओके। अब इसको मैंने भेज भी दिया, तो इसको फंक्शन को ऊपर लिख भी लेता हूँ, यहाँ लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, ऑल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। फिल्टर प्रोडक्ट नहीं है यार, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ऑल प्रोडक्ट्स, ये कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे पेस्ट कर। एक काम करता हूँ, तुम्हें कंसोल करके भी दिखाई देता हूँ, ऑल क्लियरिटी मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, इसको कंसोल फिल्टर प्रोडक्ट्स, यार मैंने यूज इफेक्ट के अंदर ही लिख दिया ना, इसको बाहर लिखना है यार, इसके अंदर क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखो ना, ठीक है। इसको कंसोल करते हैं पहले, कंसोल भी तो दिखाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं कहाँ गया, एक और कंसोल है क्या कहीं पे, और कंसोल है, इस कंसोल को भी हटाओ यहाँ से, कोई कंसोल है, ठीक है ओके। अब इस कंसोल को देखना, ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, लैपटॉप, लैपटॉप मिला, स्किन केयर ओके, इसको देखो क्या मिल रहा है, देखो स्ट्रिंग है ना, एक तरीके से स्ट्रिंग ही तो है, बताओ, मोटरसाइकिल सनग्लास, बताओ, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो मेरे को मिल रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसी चीज को ना, इस ऑल प्रोडक्ट को कहाँ भेजना है, इसके अंदर, यहाँ पे भेज दूँ, कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ पे भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दो सेट, सेलेक्ट, यहाँ पे लिखो सेट सेलेक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है ओके। अब देखो ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, मान लो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब इसको तो हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं, इस जैसे लैपटॉप पे क्लिक किया, यहाँ पे लैपटॉप चला गया, ठीक है ओके नाइस ओके। अब मैं क्या बोलूँगा, जैसे यहाँ पे लैपटॉप चला गया ना, मैं बोलूँगा अगर सेलेक्ट प्रोडक्ट में तुम्हें लैपटॉप मिले तो तुम लैपटॉप को शो करो, अगर तुम्हें स्किन केयर प्रोडक्ट मिले तो स्किन केयर को शो करो। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे ही भाई, अब ऑन क्लिक जैसे ही करूँ तो मैं क्या करना है, इस वाले सेक्शन को मुझे चेंज करना है, इस वाले सेक्शन कहाँ गया, एपीआई, हाँ इसे स्मार्टफोन को मुझे चेंज करना है, पहली बात तो ये। तो हम लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि भाई अगर तुम्हें सेलेक्ट प्रोडक्ट मिल जाए तो तुम क्या करो, देखो सेलेक्ट प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये कहाँ गया, सेलेक्ट, सेलेक्ट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे आ सकता है भाई, जो तुम सेलेक्ट करोगे उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, पहले स्मार्टफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, स्किन केयर कुछ भी हो,
अगर उसे मिल गया, जैसे क्लिक किया उसे मिल गया, तो तुम क्या करो, इसको इसको चला दो, है ना, इसको चलाओ। और इसमें क्या करो, जो भी तुम्हारा सेलेक्ट प्रोडक्ट है ना, कंट्रोल जेड, ये आएगा ना, पूरा आएगा भाई, पेस्ट। ठीक है, तो तुम क्या करो, देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट प्रोडक्ट में आया, सेलेक्ट प्रोडक्ट में क्या है, स्मार्टफोन हो सकता है, स्किन केयर प्रोडक्ट हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है ना, जो भी वहाँ पे बटन है। तो यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, जैसे ऑन क्लिक करूँगा वहाँ पे आता जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा भाई, बैक टिक के अंदर लिखो इसको, अगर तुम्हें चेंज करना है वेरिएबल में, तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लिखो डॉलर, यहाँ पे लिखो सेलेक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कुछ रह गया, ठीक है, अभी चलते हैं देखते हैं। देखो अब हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, देखो मैं बताता हूँ एक बार फिर से, रिवीजन करा देता हूँ। देखो ऑन क्लिक किया मैंने, यहाँ पे भाई ऑल प्रोडक्ट, ऑल कैटेगरी है इसमें, स्मार्टफोन है, वॉच है, जो भी है, यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट में गया, ऑल प्रोडक्ट गया, यहाँ पे कैटेगरी चलेगी उसके पास, और इस कैटेगरी को मैंने कर दिया एक स्टेट के अंदर स्टोर, ठीक है, यहाँ पे सारी कैटेगरी जैसे जैसे क्लिक कर देंगे आती जाएगी, मैंने दिखा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, जब तुम्हें कैटेगरी कुछ कोई भी मिले ना, तब इस फंक्शन को चलाओ, कौन से वाले को, इस वाले को, इस वाले को तुम्हें चलाना है, फिर वहां पे प्रोडक्ट में सेट कर देना है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, चलते अब देखते कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, अभी देखते हैं। अभी देखो क्लिक किया यार, कुछ हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा, देखो मैंने ऐसे रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ, क्लिक किया, क्यों नहीं हो रहा, देखो मैंने क्या कर रखा है, इसे यूज इफेक्ट के अंदर लिख रहा है, यहाँ डिपेंडेंसी क्या दे रखी है भाई, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब जैसे रिफ्रेश करो तब चले, तब तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो चले है कहाँ से। तो यहाँ पे मेरे क्या करना पड़े, जब भी तुम सेलेक्ट प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करूँ ना, तब चले, तो यूज इफेक्ट को मैंने बोल दिया, जब भी तुम्हें सेलेक्ट प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, मतलब ये मिल जाए, तब इसको चला दो। अब देखो जैसे स्मार्टफोन पे क्लिक किया, स्मार्टफोन आ गया, ओहो नाइस यार, आ तो रहा है, और कुछ काम कर रहा है देखते हैं, लैपटॉप, ओ आ गया लैपटॉप, फ्रेगनेंस, ग्रोसरी, स्किन केयर, सनग्लासेस, ऑटोमोटिव, मोटरसाइकिल, लाइटिंग, वुमेन जींस, बताओ सारी चीजें तो आगे बताओ, फिल्टर ही तो है, क्या किया मैंने, फिल्टर तो किया है, फिल्टर तुम और कर तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैंने एपीआई के साथ कैसे फिल्टर करते वो बताया, देखो कितनी बढ़िया चीज है। देखो अभी तो इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ ना, देखो देखो इसमें ना बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मेरे को यार, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, ऑटोमोटिव नहीं चाहिए, सनग्लासेस, या फिर मेरे को लाइटिंग नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, फर्नीचर नहीं चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, मतलब फिल्टर करना है एक तरीके से, इस चीज़ को फिल्टर करना है। तो मैं क्या यहाँ पे ऑल कैटेगरी फिल्टर नहीं लगा सकता, देखो फिल्टर के बाद तो मैप भी लगा सकता, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑल कैटेगरी पे ना एक काम करता हूँ, फिल्टर फंक्शन लगा देता हूँ, फिल्टर फिल्टर आइटम का देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि भाई जो भी, देखो हमें क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई, क्या नहीं चाहिए, एक तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, एरे के अंदर है ना, देखो कॉपी करता हूँ यहाँ, मैं कर दूंगा पेस्ट। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई जो ये लाइटिंग है ना मेरे को नहीं चाहिए। इसके बाद ठीक है, यहाँ से यहाँ तुम डॉट लगा दो, ठीक है, फिल्टर के बाद ये चलेगा, ओके। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो है ना डॉट इंक्लूड का यूज करेंगे आप, डॉट उसके अंदर क्या है, फिल्टर आइटम। अगर तुम्हें, देखो देखो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा फिर एक ब्रैकेट ऐसे लगाना पड़ेगा, फिर ऐसे करते, इसलिए एक ही लाइन में मैंने लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि फिल्टर लगाया इस ऑल कैटेगरी पर, बोला कि भाई तुम ना जो लाइटिंग वाली है ना, जो लाइटिंग तुम्हें अगर तुम्हें मिल जाए फिल्टर के अंदर, इंक्लूड्स मतलब फिल्टर के अंदर तुम्हें लाइटिंग मिल जाए, तो तुम उसे शो करो, अभी शो करो। अब देखो अगर मैं अभी दिखाता हूँ होगा क्या इससे, तुम्हें फिल्टर का भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। देखो ये लाइटिंग दिखा रहा है, बस फिल्टर कर दिया ना मैंने, बस लाइटिंग, लेकिन मेरे को ये लाइटिंग नहीं दिखाना भाई। अगर देखो एक काम करता हूँ,
एक मोटरसाइकिल भी नहीं चाहिए ना, एक काम करता हूँ बाइक को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके अब देखना, बाइक भी दिखाएगा, मोटरसाइकिल और लाइटिंग दोनों, मतलब क्या किया मैंने, फिल्टर क्या किया, फिल्टर करके भाई लाइटिंग और मोटरसाइकिल जहाँ भी दिखे वो तुम्हें दिखाना है फिल्टर करके, बाकी सबको हटा दो, लेकिन हमें ये दोनों नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नोट लगा दो बस। देखो वो तो चला गया ना, और क्या नहीं चाहिए हमें, और क्या नहीं चाहिए भाई, हमें फर्नीचर नहीं चाहिए। ओके फर्नीचर भी, ऑटोमोटिव भी नहीं चाहिए, ऑटोमोटिव भी नहीं चाहिए हमें, इसको भी कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। और क्या नहीं चाहिए हमें, और फर्नीचर भी नहीं चाहिए क्या, फर्नीचर को भी कॉपी कर लो फिर, कॉपी पेस्ट। देखो फिल्टर कर लिए इतने सारे चीजें, और क्या नहीं चाहिए, टॉप्स, वुमन ड्रेसेस, मैन शर्ट्स, वॉचेस, बैग्स, ज्वेलरी, सनग्लासेस, हाँ और तो सब सही है। और फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस में क्या आएगा, और सारी चीजें तो सही है, सब फिल्टर तो कर दिया मैंने। अब एक काम करो, अच्छा एक और चीज यहाँ पे बता ही देता हूँ, तो फिल्टर फंक्शन का मैंने, मैप के साथ फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, राइट। ओके एक काम करते हैं, मान लो तुमने बोला कि यार मेरे को ना शुरुआत के ना ये 5 या 6 चीजें चाहिए, और सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए, अब ये कैसे करोगे ये बताओ, अगर तुमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा कैसे करते हैं बताओ इसको, अगर तुमने पढ़ा होगा स्लाइस मेथड का, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, राइट। स्लाइस मेथड किस पे लगाते हैं, एरे पे, तो ये एरे ऑफ नंबर ही तो है ना, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग ही तो है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस मैप की जगह यहाँ पे डॉट, इसको करता हूँ कमेंट, एक बार एक मिनट रुको, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जा, इसको कंट्रोल एक्स ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि अरे इसको क्या कर दिया भाई, फिल्टर को करना है ना बस, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्लाइस लगा देता हूँ, स्लाइस में क्या बोलता हूँ भाई, 0 से मुझे 5 तक चाहिए, उसके बाद तुम मैप लगाते रहो। देखो आ गया ना, अब बताओ, स्लाइस कर दिया ना भाई, जितने भी कैटेगरी भी हैं उसको स्लाइस कर दिया। अब मान लो लास्ट के 5 प्रोडक्ट चाहिए, कैसे करोगे, अगर तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा तो लास्ट के 5 प्रोडक्ट आके देख लो, दिखा भी देता हूँ तुम्हें, देखो ये 4-5 प्रोडक्ट है लास्ट के, वो आ गए मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे करते हो स्लाइस का भी यूज, देखो यहाँ पे मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने तो अभी फिल्टर का ही यूज कर रहा हूँ, राइट। फिल्टर का क्यों यूज किया, मेरे को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहिए, तो ये सारी चीजें तो ठीक है। ओके अभी थोड़ा और क्या कर सकते हैं, ओके तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, देखो यार फिल्टर वाला कैसे रहता है, हमारे पास ऑप्शन होता है राइट, फिल्टर पर क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, उसी में से हम सेलेक्ट करते जब आता है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा ही कुछ बन जाए, तो जैसे ही मैं एक ही बटन हो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हो, क्लिक करते ओपन हो जाए, जिस पे क्लिक करो शो हो जाए, ऐसा चाहता हूँ। तो ऐसे वाले तो तुमने अगर पढ़ा होगा HTML में, तो हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट का यूज करते हैं, सेलेक्ट राइट, उसके अंदर हम क्या यूज करते थे, ऑप्शन, ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, लाइक दिल्ली, सेकंड ऑप्शन क्या है, मुंबई, ऐसे आता था ना, देखो ऐसे दिल्ली मुंबई राइट, ये तो हो गया। ओके तो अब इस देखो ये दिल्ली हो गया, ऐसे मुंबई हो गया, मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाए, तो इस ऑप्शन को तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को हमें इस बटन की जगह लिखना पड़ेगा, पहली बात तो ये। ओके नाइस, तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट को तो मैं बाहर ही लिखूंगा, सबसे बाहर सेलेक्ट को इसके अंदर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं देखो मैं बताता हूँ क्या करना है तुम्हें, इस बटन को हम रिप्लेस कर देंगे ऑप्शन से, ऑप्शन ठीक, ये तो हो गया।
ओके, इस ऑप्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक काम करता हूँ, देखते कुछ आए कि नहीं। दिल्ली तो पहले से आ रही है, आया ये वाला नहीं आना, तो ये नहीं आएगा। तो एक काम करो, इस शेड्यूल को बताओ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है अभी के लिए। ठीक है, ओके ओके, ये ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। ऑन क्लिक भाई क्यों नहीं आ रहा? सेलेक्ट को यहाँ कहाँ लिख दिया यार, सेलेक्ट को यहाँ लिखना है ना, जरूर तो आएगा ये ऑप्शन। ठीक है, अब देखो आ गया, दिल्ली दिल्ली आ रहा। तो दिल्ली की जगह क्या लिखो यहाँ पे, फिल्टर बाई, फिल्टर बाई कैटेगरी। ठीक है, अभी तो ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा मुझे पता है। देखो अभी क्या कर रहे हैं हम, जैसे सेलेक्ट पे ओपन किया मैं, देखो ये है सेलेक्ट का, सेलेक्ट पे जैसे क्लिक किया हम क्या करें, ऑन चेंज कर रहे, इवेंट लगा रहे हैं, राइट। तो अभी हम क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन का तो कोई काम नहीं है, है ना, इसको हटाओ यहाँ से, मारो गोली इसको, इसको भी हटाई दो, इसको भी जरूरत नहीं। अब जो है ना, जो हम ऑल फिल्टर प्रोडक्ट लिख रहे थे ना, तो जो हम यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट लिख रहे थे ना, वो हम लिखेंगे सेलेक्ट के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन चेंज, एक इवेंट लगाएंगे उसके अंदर लिखेंगे फिल्टर प्रोडक्ट्स, यही कर रहे थे ना। ओके नाइस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट में हम लिख रहे थे ऑल प्रोडक्ट, लेकिन अगर ये हम यहाँ पे, मैं ये लिख देता हूँ ना, देखो कॉपी करके मैं अगर यहाँ पे ये लिख दूँ ना ऑल प्रोडक्ट, लेकिन यार ऑल प्रोडक्ट तो है इसके अंदर, मैप के अंदर, इसके अंदर कहाँ पे आएगा, इसके अंदर तो है नहीं, बाहर ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू देते हैं, उसके अंदर लिखते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। अब इसी वैल्यू को कैसे गेट करेंगे, एक इवेंट लगाते हैं और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से गेट कर लेते हैं उसे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो काम कर रहा है, फिल्टर वाला मस्त नहीं बना दिया मैंने, फिल्टर बाई कैटेगरी। ऐसे तो होता है ई कॉमर्स में, वहाँ पे जाते हैं कैटेगरी की, भाई फिल्टर करना है मेरे को, चाहिए स्किन केयर तो स्किन केयर सोवर दे देंगे, भाई मेरे को वुमेंस के शूज चाहिए तो शूज दिखा देंगे, है ना, ऐसे तो होता है, वो चीज़ दिखा दो भाई, सब कुछ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे देखो स्मार्टफोन ये सब तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ यार, सारे प्रोडक्ट है ही नहीं, बस फिल्टर करने पे आ रहे हैं। तो मेरे को क्या चाहिए, मैं जैसे पेज रिफ्रेश या फिर कोई भी वेबसाइट पर विजिट करेगा तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद मैं फिल्टर कर सकूँ, है कि नहीं? ओ भाई, इसके लिए मुझे सारे प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे पास एपीआई किस चीज़ का है, हमारे कैटेगरी का एक एपीआई है और सेलेक्ट प्रोडक्ट का है, सारे प्रोडक्ट का चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट में जाना, और यहाँ पे देखो देखो ये गेट ऑल प्रोडक्ट लिखा है, तो इस एपीआई को हमें कॉल करना पड़ेगा, तो कॉपी करते हैं इसको, इसको यार यहाँ से हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। एक स्टेट लेते हैं, उसके अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा ना हमें, राइट। तो ऑल प्रोडक्ट्स कॉमा सेट, ओके एपीआई को कॉल करना है तो हमें यूज इफेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ना एम्प्टी ले लेते, क्योंकि पेज रिफ्रेश करने पे हमें दिखाना है। ओके यहाँ पे हमें कॉपी करना पड़ेगा ये कंसोल डॉट लॉग, इसको कर लेते एक बार कंसोल। ठीक है, चलते हैं, ओके नाइस, एरर तो नहीं है ना कुछ? ठीक है, ऑब्जेक्ट आ तो रहा है भाई,
हमें चाहिए डेटा, डेटा चाहिए। ओके, डेटा के अंदर प्रोडक्ट सी एन, राइट। तो यहाँ पे लिखो पहले डेटा, डेटा ओके आ गया। डेटा, डेटा के अंदर हमें क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट सी। ओके करो, यहाँ कर दो पेस्ट। ओके, अब देखते हैं क्या है। देखो कितने प्रोडक्ट है, 30 है कम से कम, 30 प्रोडक्ट है, राइट। पांच पांच मिला के आई थिंक होंगे 30 प्रोडक्ट तो है, ठीक है, हो तो गया ये। अब मेरे को क्या करना है, यूआई पे शो करना है। यूआई पे शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक तो मैं कंफ्यूजन ना हो इसके लिए थोड़ा टूल लिख देता हूँ। इसको बोलता हूँ भाई ऑल प्रोडक्ट्स, हाँ लिख दिया। ओके, और इसको लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट कैटेगरी, और गेट और प्रोडक्ट, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। सिंगल प्रोडक्ट कह सकते हैं ना इसे, सिंगल प्रोडक्ट्स। एक काम करते हैं, इसको भी सिंगल प्रोडक्ट ही करते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो। सिंगल प्रोडक्ट्स, अब इसको ही कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी तक तो काम करना चाहिए, सब कुछ सही है, ये तो काम कर ही रहा है ना। हाँ ठीक है, ओके। अब यूआई पे शो करना है किस वाले प्रोडक्ट को, तो मैं क्या करता हूँ, सेट ऑल प्रोडक्ट करता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर डाल देता हूँ मैं सेट ऑल प्रोडक्ट। ओके, तो अब यूआई पे शो करना है तो हमें क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी है ना, कॉपी करो इसको। ओके, नीचे चलते हैं, कहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट, एक कैटेगरी हो गया, प्रोडक्ट सेक्शन हो गया। हाँ, इसको लिखो सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट सेक्शन। ओके, सिंगल प्रोडक्ट नहीं यार, चलो अभी के लिए तो सिंगल ही है, ठीक है। अब ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो अभी लिखते हैं एक ड्यूलो, उसके अंदर इसको पेस्ट करो, इस पे मैप लगाओ, ठीक है। मैप तो सब आता ही है तुम्हें। इसके अंदर एक और ड्यूलो, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ क्या, पैराग्राफ ले लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या लिखे, ऑल आइटम, पिछले वाले में क्या लिखा था मैंने, ऑल प्रोडक्ट्स लिखा था ना। ऑल आइटम लिख देता हूँ, चलो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मैं प्राइस लिखूँ तो आ जाएगा, देखते हैं आता है कि नहीं। हाँ आ तो गया, देखो यहाँ पे, इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। की यहाँ पे दे देना भाई, की नहीं दोगे तो, अभी के लिए तो हम इंडेक्स ही लिख रहे हैं, बाद में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इमेज लेते हैं एक, इमेज को कैसे शो करें, ऑल आइटम्स लिखो भाई, डॉट थंबनेल लिख दो, आ जाएगा इमेज। देखो आ गया ना, बहुत सारे प्रोडक्ट अगर 30 होंगे कम से कम, देखो। यहाँ पे और क्या लिखे, प्राइस तो हमने लिख लिया, एक काम करते यहीं से कॉपी कर लेते हैं ना, ऊपर रहे ना, लिखा तो हुआ है यार, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे कर दो पेस्ट। यहाँ जहाँ जहाँ आइटम लिखा है वहाँ पे ऑल
आइटम कर दो बस। ठीक हो गया। देखो अभी क्या करता हूँ, इमेज में चेंजेस करते हैं थोड़ा। हाँ इस क्लास को ही कॉपी करो, कॉपी करते हैं। और इमेज कहाँ गया भाई, यहाँ पे करो पेस्ट। ओह ज़्यादा बड़ा हो गया, तो विड्थ हम फुल नहीं रखते। विड्थ तो कहाँ गया, हाँ विड्थ हाइट हटा दो यार इसको, अभी के लिए हटा। हाँ ठीक है अभी। ओके अगर मैं इसको फ्लैक्स दूँ, देखो कैसे आ गया ये। ओके एक गैप दे देते हैं भाई फोर का। ठीक है बॉर्डर दे दो इसको कुछ, ये पता लग जाए बॉर्डर। ये पूरे में हो जा रहा है ना, इसको बॉर्डर देना पड़ेगा भाई, इसको बॉर्डर देने से काम नहीं चलेगा। इसको दो बॉर्डर, दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। देखो मैं दिखाता हूँ। अब वो मेन काम क्या हो गया हमारा अभी, एक मिनट, ये तो ऐसे ही रहेगा। चलो ठीक है ये यहाँ तक चला गया ना, फ्लैक्स रैप कर दो सही हो जाएगा ये। हाँ अपने हिसाब से जस्टिफाई सेंटर कर दो, और क्या है। हो गया अभी के लिए तो ठीक है, अभी के लिए ठीक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझाने के लिए ठीक है, बाद में मैं थोड़ी देर में अभी सही कर दूंगा, स्टाइलिंग वाला स्टाइलिंग तो सही कर दूंगा। ठीक है देखो पेज रिफ्रेश करती क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखो मैं फिल्टर वाले पे करता हूँ, लैपटॉप, लैपटॉप तो आ गया लेकिन ये भी आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए भाई। जैसे मैं फिल्टर पे क्लिक करूँ ये तो आ गया ठीक है, लेकिन ये भी आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस फिल्टर वाला। अब देखो इस पे क्लिक करूँगा तो ये तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये तो आ रहा है ना। अब हमें क्या चाहिए, जब भी मैं फिल्टर पे क्लिक करूँ ऐसे करके तो फिल्टर वाला तो आ जाए प्रोडक्ट, लेकिन ये ऑल प्रोडक्ट ना। अब सोचो ये कैसे कर सकते हैं, सोचो दिमाग लगाओ अपना। देखो मैं अपना दिमाग चलाऊं तो मैं क्या करूंगा भाई, ठीक है इसको शो करना है इसको नहीं करना, ठीक है जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये शो कर देगा, तो इसको क्या करूंगा, इसको मैं एक स्टेट ले लूंगा और इसको ट्रू कर दूंगा, ट्रू करने पे शो करेगा फॉल्स करने पे नहीं करेगा, सिंपल सी बात है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टेट लेता हूँ, अभी के लिए मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी के लिए मैं फॉल्स लिख रहा हूँ, ठीक है फॉल्स तो लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये शो जब ये ट्रू हो जाए, शो प्रोडक्ट्स ट्रू हो तो वो दिखे। हाँ तो ठीक है फिर यहाँ पे चलता हूँ मैं, कहाँ गए सेक्शन, ये है ना और ये है, ठीक है ओके नाइस। तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, ये तुम्हारा कौन सा सेक्शन है, ऑल प्रोडक्ट वाला है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ बार ऑल प्रोडक्ट। ओके अब मैं क्या बोलता हूँ कि भाई जो शो प्रोडक्ट अगर तुम्हारा ट्रू है तुम एक काम करो, इस वाले सेक्शन को दिखाओ, नहीं तो तुम एक काम करो इस वाले सेक्शन को दिखाओ। ठीक है सही लिखा है कि नहीं लिखा यार, कहाँ गलती हो रही है, इसको हटा दे, इसकी वजह से हो रहा होगा। ठीक हो गया, सेक्शन दिक्कत कहाँ आ रही है, कंट्रोल जेड करते एक बार। तो और इसको भी हटाते हैं एक बार, नीचे
यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, इसको हटाते हैं, इसकी वजह से एरर आ रहा होगा। चला गया, अब नहीं आया है। ओके, अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, ये देखो अभी तो ये शो हो रहा है, देखो वो नहीं हो रहा, लेकिन अभी क्या इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ होगा भाई? इस पर क्लिक, ट्रू एंड फॉल्स की फंक्शनैलिटी लगाई कहाँ है मैंने अभी? तो जैसे ही ये सेलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेलेक्ट वाला फंक्शन ढूंढना पड़ेगा ना मेरे को, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये रहा। इस पे मेरे को ट्रू एंड फॉल्स कर रहा है ना, तो सेट शो को करना पड़ेगा कॉपी, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रू या फॉल्स बताओ क्या करूँ यहाँ पे मैं क्या करूँ? अगर तुम बोलोगे नोट लगा दो और ट्रू एंड फॉल्स कर दो तो देखो दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे। इसको तुम बोलोगे कि भाई इसको ही तो ट्रू एंड फॉल्स करना है, पेस्ट कर दिया ठीक है, सेट सो प्रोडक्ट में ट्रू एंड फॉल्स करना है तो इसको कॉपी किया, यहाँ पर देखो इस बटन के क्लिक पे क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स करता रहेगा इसको। अब देखो दिक्कत क्या होगी, ठीक है अब देखो ये शो हो रहा है, ओके नाइस, मैं यही चाहता था ये शो हो, ठीक है अब यहाँ पर क्लिक किया शो हो गया, ओके यार सही है, वो आ भी नहीं रहा देखो है ना। लेकिन अभी देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, देखो एक बार क्लिक किया तो शो हो गया, वो चला गया, लेकिन दोबारा मैं क्लिक करूं तो ये आ जाए, ये क्या हो रहा है, समझ में आया गलती कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है, वीडियो चल रहा है कि नहीं? गलती कहाँ हुई, देखो इसको मैं ट्रू एंड फॉल्स कर रहा हूँ राइट, तो अगर मैं इसको ट्रू एंड फॉल्स कर रहा हूँ तो मैंने क्या बोला है भाई, ट्रू पे ये दिखाओ फॉल्स पे दिखाओ, तो वही तो कर रहा है, ट्रू पे ये दिखा दे रहा है, फॉल्स पे एक बार और करो तो ये दिखा दे रहा है, बट हमें तो नहीं करना ना, हमें करना है बस ट्रू ट्रू, तो बस यहाँ पे लिख दो क्या, यहाँ पे बस लिख दो ट्रू, बस ट्रू ही तो करना है, ट्रू पे दिखाना है बस। देखो रिफ्रेश किया, ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या देखो आगे, देखो ये देखो कहीं भी नहीं आएगा वो, देखो ट्रू पे दिखाना है, ट्रू हो रहे हैं बस सारे, ट्रू हो रहे हैं, नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा, पेज रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा वो, दिखाओ ये तो करना है, देखो कितनी बढ़िया फंक्शनैलिटी है, देखो इस पे ट्रू करने पे ये होगा, फॉल्स फॉल्स पे क्या होगा, ये शो दिखा देगा, सिंपल सी बात है, समझ गए क्या? देखो सारी फंक्शनैलिटी तो कर दी यार बढ़िया सी, अब मेरे को काम करना है क्या भाई, फंक्शनैलिटी तो सारी बता दी, अब मेरे को क्या करना है, इसको सही करना है, सही से बनाना है थोड़ा सा। देखो स्टाइल करने से पहले ना एक और काम कर लेते हैं कि देखो यार अगर रिफ्रेश करो तो ये सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैं फिल्टर करूँ तो आ रहे हैं, सब कुछ काम तो सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार देखो ना एक काम बताओ, एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट इतने 30 40 50 जितने भी प्रोडक्ट हैं इसको मैं अलग फेच कर रहा हूँ ठीक है, कहाँ गया भाई, सबसे पहले ऑल प्रोडक्ट है ना, ये रहा, इसको मैं अलग से ला रहा हूँ ठीक है, उसके बाद मैंने कैटेगरी, तो चलो इसको तो ठीक है, उसके बाद मैं कैटेगरी से फिल्टर कर रहा हूँ, इसको कैटेगरी से इसको फिल्टर कर रहा हूँ, ये भी फेच करके ला रहा हूँ अलग से, यार ऐसा क्यों कर रहा हूँ, दो दो काम कर रहा हूँ, एक ही काम ना कर लो, मान के चलो तुम्हारे पास सारे प्रोडक्ट आ गए उसी में फिल्टर लगा दो ना यार, अलग से क्यों लगा रहे हो, अलग से डाटा फेच करके ला रहे हो उसमें फिल्टर लगा रहे हो, तो इससे करेंगे तो एक तो डाटा फेच नहीं करना पड़ेगा दोबारा से, ऊपर से फिल्टर फंक्शन एक ही में काम कर देगा, तुम्हें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी क्या करता हूँ देखो, एंड ट्रू एंड फॉल्स करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी राइट। तो देखो अभी मैं क्या बोलता बोल क्या रहा हूँ कि देखो यार साफ सीधी बात है, जो तुमने यहाँ पे काम किया है ना ये ट्रू एंड फॉल्स वाला, देखो ये वाला जो सेक्शन है ना इस सेक्शन की हमें जरूरत ही नहीं है भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है, हटाओ इसको ठीक है, बस हमें ऑल प्रोडक्ट दे दो, उसी में से मैं फिल्टर कर लूंगा, इसको भी हटाओ ठीक है, ये ऑल प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स, इसी में से मैं फिल्टर कर लूंगा, बार बार अलग अलग डेटा लाने की जरूरत क्या ठीक है, ये तो हो गया, अब इसके अलावा मुझे क्या नहीं चाहिए, देखो कैटेगरी वाला तो चाहिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा देखो ये नहीं चाहिए हमें, जो ये तो फेच करो इसको हटाओ, अब हमें ट्रू एंड फॉल्स भी हटा दिया तो फॉल्स वाला चाहिए नहीं ठीक है, ओके कैटेगरी का चाहिए, प्रोडक्ट्स में सेट प्रोडक्ट ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए था, इसको हटाओ, इसकी भी जरूरत नहीं, और क्या नहीं चाहिए हमें, फिल्टर ट्रू तो है ही नहीं, ट्रू हटाओ, और कुछ रह गया,
ऑल प्रोडक्ट आ गए यहाँ पे, कैटेगरी आ गया और हो गया और सब ठीक है राइट। अभी चलते हैं देखते हैं। देखो अभी तो कुछ होगा नहीं फिल्टर पे का। अब क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं ना एक ही बार मैंने फेच किया सारे प्रोडक्ट आ गए। अब इसमें से मेरे को फिल्टर करना है, स्मार्टफोन लैपटॉप जो भी होगा कैटेगरी वाइज फिल्टर कर लेंगे। करेंगे कैसे देखो, इस फिल्टर किससे करना है, इस फिल्टर वाले फंक्शन से। ठीक है ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, किस पे लगाऊंगा फिल्टर फंक्शन, लगाना किस पे, ऑल प्रोडक्ट पे राइट। ऑल प्रोडक्ट है कहाँ पे, ये रहा तुम्हारा ऑल प्रोडक्ट, तो इस पे हमें फिल्टर फंक्शन लगाना है। इसको कर लो कॉपी, इसके अंदर सारे आ रहे हैं ना 30 40 जो भी प्रोडक्ट है इसके अंदर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ओके। देखो यार ये ऑल प्रोडक्ट अलग है, वो अलग है। देखो ये ऑल प्रोडक्ट अलग है, ये ऑल प्रोडक्ट कौन सा मैप से आ रहा है, मैं दिखाता हूँ कहाँ। ये तो ऑल आइटम है, ये रहा। यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं आइटम लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आइटम सब जगह आइटम कर दो इसको। ठीक है ये आइटम इधर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, इधर। तो देखो अब ई टारगेट डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आइटम तो आ ही रहा है। यहाँ पे कुछ भी नाम दे लो, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी ओके कैटेगरी। भाई स्पेलिंग तो सही है ना, ठीक है देख लेना जो भी है। इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ओके। और ये तो सही होगी, इसको नाम चेंज किया। देखो ये सेलेक्ट कैटेगरी है क्या, सेलेक्ट कैटेगरी भाई ये है, यहाँ पे जो भी कैटेगरी जैसे आएगा स्मार्टफोन लैपटॉप स्किन केयर जो भी यहाँ पे आएगा वो है, वो है। ठीक है ओके नाइस। अब हमें फिल्टर फंक्शन किस पे लगाना है, इस पे कॉपी करो यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाना हमें फिल्टर फंक्शन, तो क्या करेंगे, इस्ट फिल्टर फिल्टर में क्या बोलो इसको, फिल्टर आइटम लिख दूं, फिल्टर आइटम। ठीक है अब इसको ना एक जो भी फिल्टर होके आएगा उसको मैं एक डेटा के अंदर स्टोर कर लेता हूँ वेरिएबल के अंदर। ठीक है ओके। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, जो फिल्टर आइटम है ना डॉट, रुको एक मिनट मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, कंसोल करके, कंसोल डॉट लॉग ऑल प्रोडक्ट के अंदर आ क्या रहा है। पहली बात तो ये देख लो, जो सारे प्रोडक्ट है इसके अंदर आ क्या रहे हैं ये दिखाता हूँ। कंसोल करो, आ जा भाई। ठीक आ गया ओके। देखो अब किसी को भी ओपन करके देखो, इसमें कैटेगरी लिखा हुआ ये दिख रहा है तुम्हें, स्मार्टफोन। ठीक है स्मार्टफोन ही स्मार्टफोन है क्या, हाँ देखो फ्रेगनेंस ओके, नेक्स्ट स्किन केयर राइट। तो ये कैटेगरी है, तो हम कैटेगरी को यहाँ पे से कॉपी कर लो, फिल्टर आइटम के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको करो कमेंट डॉट कैटेगरी। अरे यार हाँ, तो फिल्टर आइटम डॉट कैटेगरी अगर तुम्हें मैच कर जाता किसके साथ, इस सेलेक्ट कैटेगरी के, ये सेलेक्ट कैटेगरी है कहाँ भाई, ये रहा, इसके अंदर भी तो आ रहे हैं ना सारे कैटेगरी ओके। ये अगर मैच कर जाता तो तुम क्या करो, अगर फिल्टर आइटम कैटेगरी जैसे मान लो फिल्टर आइटम के अंदर क्या क्या है भाई, बहुत सारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर वो कैटेगरी के अंदर जाएगा तो उससे मिल गया मान लो स्मार्टफोन, स्मार्टफोन पे मैंने क्लिक किया और स्मार्टफोन यहाँ पे मिल गया, तो फिल्टर करके दे देगा स्मार्टफोन इस डेटा के अंदर। अब इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ एक जगह, कहाँ पे, इस ऑल प्रोडक्ट के अंदर, सेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ। कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसके अंदर डेटा को स्टोर कर देता हूँ। ठीक है तो ये क्या सही है, चलो देखते काम करता है कि नहीं करता। ठीक है ओके हटाओ इसको, मैं करता हूँ लैपटॉप। ओ
काम तो कर रहा है ठीक है। दोबारा नहीं कर रहा क्यों यार? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है बता दो। प्रॉब्लम कुछ तो है भाई, बताओ क्या है प्रॉब्लम। देखो अगर मैं रिफ्रेश करूँ और एक बार मैं इसको करूँ तो, अरे यार ये आ क्यों नहीं रहा। एक बार रिफ्रेश करो और इसको मैं स्किन केयर पे क्लिक करता हूँ, आ गया। लेकिन यार मैं दूसरी बार फ्रेगनेंस पे करता हूँ तो नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? अब इसको समझाने के लिए थोड़ा ये यूज कर लेते हैं ठीक है। ठीक है ओके। देखो तुम्हारे ऑल प्रोडक्ट के अंदर क्या आ रहा है भाई? 30 मान लो प्रोडक्ट है तुम्हारे अंदर, नहीं सॉरी। तो यार देखो ऑल प्रोडक्ट के अंदर क्या है, 30 तुम्हारे प्रोडक्ट है मान के चलो ठीक है ओके। तुम इस पे लगा रहे हो क्या भाई? फिल्टर फंक्शन लगा रहे हो, और इसके अंदर कैटेगरी भी है जैसे स्मार्टफोन है भाई, स्किन केयर है। इसके अंदर पांच पांच प्रोडक्ट है ठीक है मान के चलो ठीक है। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर भी पांच प्रोडक्ट है। तुमने फिल्टर लगाया, किस पे तुमने लगा दिया? लैपटॉप पे तुमने लगाया, लैपटॉप पे, फिल्टर लगाया। इसने फिल्टर करके दे दिया भाई, लो लैपटॉप ले लो, ले लिया तूने। उसके बाद तूने बोला भाई लैपटॉप को इसके अंदर स्टोर कर दो, इसी के अंदर स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो 30 थे, 30 होके कितने हो गए? ये हो गए भाई 5, पांच प्रोडक्ट हो गए। वो भी किसके? वो भी किसके हुए? लैपटॉप के हो गए। ओ माय गॉड, लैपटॉप के तो हो गए ठीक है। अब इस लैपटॉप को तूने कर दिया यूआई पे, शो भी हो गया ठीक है। फिर दूसरी बार फिर से तुमने फिल्टर फंक्शन लगाया। अब फिल्टर फंक्शन लगेगा किस पे भाई? इस पे ही तो लगेगा, लैपटॉप पे, क्योंकि तुमने ओरिजिनल जो है ना चीज है उसको 30 से कन्वर्ट करके कैसे कर दिया? 5 कर दिया तुमने, राइट भाई? लेकिन 5 तो नहीं करना ना हमें। अगर तुम 5 इसे कर दोगे तो फिर से फिल्टर लगाओगे तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि 5 ही तो प्रोडक्ट है उसके पास, और प्रोडक्ट में भी बस लैपटॉप है उसके पास, तो लैपटॉप पे फिर से फिल्टर थोड़े लगाओगे। तो भाई हमें एक और स्टेट लेना पड़ेगा, जो एक तो होगा ओरिजिनल और एक होगा फिल्टर वाला, तभी काम करेगा। नहीं तो फिल्टर वाले तो ये तो इसको खत्म ही कर देगा, 5 ही बना देगा, राइट? तो हमें एक और स्टेट लेना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो ओरिजिनल वाला वो खत्म कर देगा। तो एक और स्टेट लेते हैं और उसको मैं बोलता हूँ ओरिजिनल। भाई स्पेलिंग का यार, ओरिजिनल, प्रोडक्ट्स सेट, ओरिजिनल स्पेलिंग देख लेना यार बस। यूज स्टेट इसके अंदर एर है ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं क्या बोलता हूँ, इस सेट ओरिजिनल के अंदर भी स्टोर कर दो, कॉपी करके यहाँ रख दो। तो इसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ पे भी 30 प्रोडक्ट आ गए, यहाँ पे भी 30 प्रोडक्ट आ गए ठीक है। अब फिल्टर फंक्शन इस पे ना लगा के हम लगाएंगे इस पे ऊपर, इसको कॉपी कर लेते हैं और करते हैं इस पे यहाँ पे पेस्ट ठीक है। अब मैं देखो क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, अगर सेलेक्ट कैटेगरी तुम्हें मिल गया तो तुम इस फिल्टर फंक्शन को चलाओ, अगर नहीं मिलता है तो भाई जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसी को शो कर दो। ये नीचे वाला काम नहीं कर रहा क्योंकि है ही नहीं डाटा। मैं दिखाऊंगा अभी कंसोल करके, देखो और तो सब काम कर रहे हैं ना देखो ठीक है। ग्रोसरी भी काम कर रहा है, होम डेकोरेशन भी काम कर रहा है, वुमेन ड्रेस नहीं है ठीक है ओके। ये काम तो कर रहा है। इसको अगर हम यहाँ पे लिख दे ऐसे तो भी काम करना चाहिए ना।
भाई ठीक है। हाँ अभी तक तो काम कर ही रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना कहीं भी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम कर। हाँ तुम्हारा ये क्यों नहीं आ रहा है, देखो लैब फ्रेगनेंस, ये देखो टॉप्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं दिखाता हूँ तुम्हें कंसोल करके एक बार। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं कंसोल करता हूँ एक बार। देखो 30 एरे है ना, ओके, इसके अंदर स्मार्टफोन है, फिर से स्मार्टफोन है, फिर से स्मार्टफोन है। अरे यार कितनी स्मार्टफोन दोगे भाई, नहीं चाहिए। ओके ओके ओके, 8 नंबर पे देख, लैपटॉप है ठीक है। ओके फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस है। अरे यार कितने फ्रेगनेंस है, स्किन केयर भी है। हाँ स्किन केयर ही है, हाँ स्किन केयर है यार, ग्रोसरी है ठीक है। अब मैं जा देखूँ, होम डेकोरेशन है, देखो होम डेकोरेशन अगर मैं करूँ तो शो कर देगा ठीक है। अगर मैं यहाँ पे होम डेकोरेशन है, देखो यहाँ पे होम डेकोरेशन ही है, और तो कुछ है ही नहीं, इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ। ऑल प्रोडक्ट में ये सारे है ही नहीं, जो भी ये चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को हटानी पड़ेगी भाई। ये सारी चीज़ें हैं ना जो हटानी पड़ेगी, हमारे पास 3 4 चीज़ें हैं, उसको ही शो करना पड़ेगा ठीक है। बाकी हमारा सारा काम तो हो गया, अब मैं क्या करूँगा, इसकी स्टाइलिंग करूँगा एक बार अच्छे से। इस जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, इसको मैं एक बार अच्छे से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी प्रोडक्ट नहीं आ रहे, कई सारे तो आ ही नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते इसको स्टाइलिंग वगैरह कर देते हैं अच्छे से। ओके थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करने की मैंने कोशिश की है, लेकिन अभी भी यार सही से स्टाइलिंग हुई नहीं है। देखो ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, देखो कार्ड सही से बना ही नहीं आ रहा, इमेज की वजह से ना सारा पंगा हो जा रहा है। इमेज को थोड़ा सही करना पड़ेगा, मैंने ऑब्जेक्ट फिट तो कर रखा है, पता नहीं हुआ क्यों नहीं यार, लेकिन अभी तक तो सब कुछ सही से काम कर रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। हाँ स्किन केयर भी काम कर रहा है, तो बस आज का लेक्चर बस यहीं पे रखते हैं, मेन काम हमने तो कर ही लिया ठीक है।